चलिए बात करते हैं यहाँ पे कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का जो पोर्टल है, इस पोर्टल को यहाँ पे लॉगिन कैसे करेंगे और लॉगिन कौन कौन कर सकता है, यहाँ पे कौन कौन फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं, क्या सीएससी वाले कर सकते हैं या एमपी ऑनलाइन वाले कर सकते हैं, यहाँ पे कौन यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इस पोर्टल को लॉगिन कौन कौन कर सकता है, उसकी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखें। चलिए यहाँ पे बात करते हैं कि इसमें आपको क्या क्या सर्विस मिलेगी। सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे कि लॉगिन लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा इसमें, विभागीय लॉगिन, विभागीय लॉगिन जैसे आप क्लिक करोगे तो जैसे आप क्लिक करोगे आप सामने यहाँ पे इस तरीके से पोर्टल ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मुख्यमंत्री लाडली बहना का विभागीय यूजर लॉगिन, यहाँ पे देख सकते हैं वार्ड ग्राम पंचायत, यहाँ पे वार्ड या ग्राम पंचायत क्लिक रहोगे तो यहाँ पे वार्ड या ग्राम पंचायत के सचिव जो GRS होते हैं, सहायक सचिव, वही यहाँ पे इस पोर्टल पर काम करेंगे। और जिसको भी ग्राम पंचायत में यहाँ पे बनाया गया है विभागीय यूज़र ID पासवर्ड दिए गए हैं उनके लिए यहाँ पे इस तरीके से यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के कैप्चा रोल डाल के लॉगिन कर पाएंगे। जो अन्य यूज़र है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, आप देख सकते हैं विभाग के प्रमुख, संभाग स्तरीय, जिला स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय, नगर निकाय, नगर पालिका, नगर परिषद, जनपद पंचायत, और यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलेगा DEGM यूज़र। तो इस तरीके से यहाँ पे ये ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे CSC या MP ऑनलाइन यूज़र के लिए कोई भी लॉगिन का ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे ओनली ग्राम पंचायत के माध्यम से ही यहाँ पे ID पासवर्ड दिए जाएंगे। तो यहाँ पे आप इस भ्रम को छोड़ दीजिए कि यहाँ पे अगर आप CSC वैली हैं या MP ऑनलाइन संचालक हैं तो यहाँ पे आप काम कर सकोगे। यहाँ पे अन्य यूज़र बनाए गए हैं तो अन्य यूज़र में भी यहाँ पे CSC और MP ऑनलाइन की कोई महत्व नहीं है, यहाँ पे उन्हें ये काम नहीं मिला है, यहाँ पे ओनली ये काम फ्री में हो रहा है। तो यहाँ पे ग्राम पंचायत के माध्यम से ही काम होगा और यहाँ पे जो वार्ड होंगे, नगर निकाय, नगर पंचायत, उन्हीं के माध्यम से यहाँ पे सारा काम होगा। जो सरकारी कर्मचारी है उन्हीं को यहाँ पे ID पासवर्ड दिए गए हैं, वही ID पासवर्ड के माध्यम से वही पोर्टल को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे इस पर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई ऑप्शन में नहीं मिलेगा कि आप ऑनलाइन के माध्यम से यहाँ पे अपना फॉर्म ऑनलाइन घर बैठे कर सकते हैं। इसमें आपको अपना ग्राम पंचायत या वार्ड में जो वार्ड लगेंगे उसी में आपको जाना है, कैंप में जाना है, कैंप के माध्यम से यहाँ पे ऑनलाइन होगी। इसमें निर्देश भी दिए गए हैं, आप समस्त ग्राम पंचायत वार्ड उपभोक्ताओं को वर्तमान में समग्र पोर्टल पर कार्य कर रहे हैं उन सभी यूज़र ID पासवर्ड लाडली बहना पोर्टल पर लॉगिन कर योजना हेतु आवेदन पत्र कर सकेंगे। मतलब जो ग्राम पंचायत में GRS वगैरह होते हैं उनके ID पासवर्ड से ही वो लॉगिन कर पाएंगे, या फिर वार्ड में एक से अधिक यूज़र की आवश्यकता होने पर एक पर ही लाडली बहना योजना के उपरोक्त ID पासवर्ड बनाए जाएंगे। मतलब ID पासवर्ड उन्हीं को दिए जाएंगे, यहाँ पे जो सरकारी कर्मचारी है वही यहाँ पे इस पोर्टल के माध्यम से लॉगिन करके काम कर सकते हैं। तो इसमें आपको बता दूँ कि यहाँ पे आपको क्या सर्विस मिलेगी, मतलब आप यहाँ पे इस पोर्टल के माध्यम से कौन सा काम कर सकते हैं। तो इसमें आपको मेन जो सर्विस मिलेगी वो है यहाँ पे आवेदन की स्थिति। आप देख सकते हैं यहाँ पे आवेदन की स्थिति, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, इसी सर्विस को आप यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे आप इसकी जानकारी देख सकते हैं। जो आप यहाँ पे मतलब कैंप में जाके जो ऑनलाइन फॉर्म जमा कराओगे, ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के बाद वहाँ पे एक ऑनलाइन पंजीकृत नंबर आपको दिए जाएंगे, उसी नंबर के माध्यम से यहाँ पे आवेदन की स्थिति पे क्लिक करोगे। आवेदन की स्थिति पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन पंजीयन क्रमांक, कृपया ऑनलाइन पंजीयन क्रमांक प्रविष्ट करना। तो यहाँ पे आपको वही ऑनलाइन पंजीयन नंबर यहाँ पे आप डाल देना है और यहाँ पे वही ऑनलाइन पंजीयन नंबर डाल के लॉगिन करना है। खोजे पे क्लिक करो, यहाँ पे डाटा शो हो जाएगा। अब आपको बता भी दूँ मैं यहाँ पे कि यहाँ पे कैसे डाटा शो होगा उसकी जानकारी आपको यहाँ पे एक आपको बता देता हूँ सर्च करके भी, कि इसमें आपको क्या क्या सर्विस मिलने वाली। देख सकते हैं यहाँ पे कि हम जैसे यहाँ पे ऑनलाइन पंजीयन क्रमांक प्रविष्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या शो होता है। देखिए यहाँ पे हमने डाल लिया, उसके बाद यहाँ पे खोजे पे क्लिक करो। जैसे खोजे पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे अभी कुछ टेक्निकल एरर के कारण यहाँ पे डाटा शो नहीं हो पाया है, तो आप एक दो बार ट्राई करिए, यहाँ पे ज़रूर डाटा शो हो जाएगा और यहाँ पे आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे यही काम कर सकते हैं ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से। आप घर बैठे बस ऑनलाइन की स्थिति, आवेदन की स्थिति चेक कर सकते हैं, या फिर इस पोर्टल में आपको मतलब जो इसके बारे में जो बताया गया है उसमें आप देख सकते हैं। इसमें आवश्यक दस्तावेज बताए गए हैं, आवेदन पूर्व तैयारियाँ बताई गई हैं, योजना का उद्देश्य बताया गया है इसमें, तो यहाँ पे कैंप में क्या क्या होने वाला है वो यहाँ पे बताया गया है, और यहाँ पे पात्र अपात्रता का निर्देश भी दिए गए हैं, यहाँ पे कौन पात्रता है और यहाँ पे कौन अपात्र है उसकी जानकारी भी यहाँ पे इस पोर्टल के माध्यम से दी गई है। तो यहाँ पे दिशा निर्देश वगैरह, योजना के लाभ क्या क्या मिलेंगी वो जानकारी यहाँ पे इस पोर्टल को देख सकते हैं और यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप इसको लॉगिन करके यहाँ पे काम नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको अगर फॉर्म ऑनलाइन करना है तो यहाँ पे आपको ग्राम पंचायत या आपके वार्ड में कैंप लगेंगे, उसी के माध्यम से यहाँ पे आपको ऑनलाइन फॉर्म जमा करना होगा।
बस यहाँ पे आप आवेदन की स्थिति चेक कर सकते हैं इस पोर्टल पर, बाकी इस पोर्टल के माध्यम से आप कोई भी काम नहीं कर सकते। तो यही जानकारी आपको देनी थी कि यहाँ पे आपको कि यहाँ पे आप लॉगिन नहीं कर सकते इस पोर्टल को। अगर यहाँ पे आप कोई भी आईडी पासवर्ड देने का भ्रम कर रहा है तो आप उनके बहकाव में ना आए, क्योंकि यहाँ पे बहुत फर्जीवाड़े के माध्यम से यहाँ पे आईडी पासवर्ड दिए जाएंगे। तो यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे कोई भी आप CSCMP ऑनलाइन संचालक यहाँ पे इस पोर्टल के माध्यम से काम नहीं कर सकता। यहाँ पे इसको सरकारी कर्मचारी ही इस पोर्टल के माध्यम से काम करेंगे, उन्हीं यहाँ पे आईडी पासवर्ड दिए गए, तो वही यहाँ पे इस पोर्टल को माध्यम से काम करने वाले हैं।